सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद योगेंद्र। तो गाइस, आज की वीडियो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि हैंडीकैप है और उन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, को क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गाइस, हाल ही में एक बैठक की है BCCI में जो कि हैंडीकैप प्लेयर्स के ऊपर थी जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं। गाइस, आपको शायद पता नहीं होगा कि हैंडीकैप क्रिकेट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक ये BCCI के अंदर नहीं खेलती थी, वो अपना खर्चा खुद उठाती थी। लेकिन अब BCCI ने ऐलान किया है कि जो भी खर्चा होगा या फिर जो भी शेड्यूल होगा वो सब BCCI अरेंज करेंगी। गाइस, इसके अंदर तीन कैटेगरी रखी गई है, जैसे कि डीफ क्रिकेट अलग होगा, व्हील चेयर क्रिकेट अलग होगा, तीसरा होता है फिजिकली चैलेंज क्रिकेट। तो गाइस, ये तीन कैटेगरी हैं जो कि इसके अंदर आती है। गाइस, जब से BCCI ने अनाउंस किया है कि वो हैंडीकैप क्रिकेट को अपने अंदर ले रही है, तो वहाँ से बहुत सारे चीज़ें जो अच्छी हो सकती हैं हैंडीकैप क्रिकेट के लिए, जैसे कि जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं साल के, वो भी मिल सकता है, जो मैच फीस होती है वो भी मिल सकती है, कुछ ऐड भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरा जो होगा वो BCCI हमें देगी और स्पॉन्सर भी मिल सकते हैं। तो हैंडीकैप जो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे थे अभी तक बिना किसी फैसिलिटीज़ के, उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है आने वाले समय में। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें और चेंज हो रही है, जैसे कि अभी हैप कप करवाया था, अभी लखनऊ में एक और टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे 20 स्टेट की टीम आ रही है, वहाँ पे कुछ जो अच्छा करेगा उसके लिए एक कैंप लगेगा सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए, और वहाँ से एक इंडिया टीम बनेगी जो कि फॉरन का टूर करने जाएगी। अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि वो कहाँ पे जाएगी, लेकिन जल्दी वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो अगर आप भी हैंडीकैप प्लेयर हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल पे, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखते रहना क्रिकेट विद योगेंद्र।